नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आदर्श आचार संहिता लागू, लोकसभा चुनाव की घोषणा, मैनपुरी डीएम ने ली बैठक। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से जनपद मैनपुरी के कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने एक आवश्यक बैठक की, जिसमें आदर्श आचार संहिता शत प्रतिशत लागू करने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी सरकारी बिल्डिंग, सरकारी पोलो, मंदिरों आदि सरकारी किसी भी जगह पर पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जनपद के सभी जगह पर आदर्श आचार संहिता का पालन हेतु पोस्टर बैनर उतारे जा रहे हैं और निर्देश जारी कर दिया गया है कि इसके अलावा जनपद मैनपुरी में तीसरे चरण में मतदान किया जाएगा। इस मौके पर रामजी मिश्रा, अपर जिलाधिकारी नेहा बंधु, मुख्य विकास अधिकारी तथा जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी तथा सभी विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। चुनावी शेड्यूल बताते हुए जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा, दिखाते हैं पूरे रिपोर्ट में। आज आचार संहिता लागू हुई है, क्या नियमों का पालन करना, क्या निर्देशित किया गया? देखिए, अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की जो घोषणा की गई है, इसके साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हम लोगों की जो FST की टीम थी, हम लोगों की जो VST की टीम थी, VVT टीम थी, अकाउंटिंग टीम थी और MCC के लिए जो तहसीलवार टीमें बनी थी, थानावार, उन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है और अभी से ही जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पूरे जनपद में लागू किया गया है प्रभावी तरीके से। जो भी वॉल पेंटिंग है, बैनर्स हैं, होल्डिंग्स हैं जो सरकारी भवनों पर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटाए जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और जो आदर्श आचार संहिता के जो गाइडलाइन है भारत निर्वाचन आयोग के, उसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग ने शेड्यूल जारी किया है, उसके अनुसार तृतीय चरण में यहाँ का जो शेड्यूल घोषित किया गया है निर्वाचन संबंधी, और उसमें जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 12 अप्रैल 2024 को होगा। मतदान होगा मैनपुरी लोकसभा के लिए वो तृतीय चरण के साथ 7 मई 2024 को किया जाएगा और मतगणना की तारीख 4 जून 2024 नियत की गई है। ये शेड्यूल जारी किया गया है। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।